पर टॉप से पानी गिर रहा है। गाड़ी लगभग 4 किलोमीटर हमको ऊपर ले जाके छोड़ेगी जहाँ तक रोड बन गई है। ये ब्रिज है, अभी बस इंतजार कर रहे हैं 8 मेंबर और लेके बैठा के ले जाएगा, तब हमको ले जाएगी। तो थोड़ा सा समय लगेगा। कैसा फील हो रहा है? बढ़िया। तैयार हो ट्रैकिंग करने के लिए? फुल रेडी। अरे भाई रेडी है बिल्कुल। आप नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया है। ये केंद्र है, यहाँ पर फोटो खींचे रजिस्ट्री जाने से पहले करवाएं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाएंगे वहाँ पर एंट्री होती है। How it is? A waterfall, a lovely waterfall, lovely view.
थोड़ा मौसम खुला है तो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। इधर वाटरफॉल है, पानी है, आवाज़ तो सुन रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब है, ग्रीनरी है, ऊपर धुंध है। दोस्तों ये शानदार नज़ारा है वाटरफॉल का, यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, एकदम दूर से सफ़ेद है, बहुत ही जानदार है। तो आज रफट जाए तो हमें ना बुलाइयो, पानी वाटरफॉल रास्ते में। कैसे पार करें, कैसे पार करें, पार करते हैं।
हेलीकॉप्टर की भी फैसिलिटी है। लगभग 11:30 बजे आए थे नीचे रूम से, नीचे गुरुद्वारे से अंदर घुसेंगे तो आप क्या बोलते हैं अकोमोडेशन का फैसिलिटी है, वहाँ से रूम मिलते हैं, यहाँ सब हॉल हैं। और अच्छा आपको चाहिए तो 1100 रुपये का पर डे के हिसाब से तो कॉस्टली है। और यह अभी हमको ऐसे ही मिला था रूम, इंडिविजुअल मैंने बोला था तो ऐसा मिला था। आप रूम देख सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं रहेगा। बस ये ऐसा है कि बस दो गद्दे हैं और कंबल हैं यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें हैं बस अवेलेबल। फैसिलिटी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ठंड है। यहाँ ना गुरुद्वारे के सामने में नज़दीकी में कुबेर होटल हैं, वहाँ हम जाके रुकने वाले हैं। आदत नहीं थी एंड बहुत था तो पता नहीं लग रहा था क्योंकि जॉबिंग ट्रैकिंग कर रहे थे जरूरत नहीं पड़ी। जब वापस आए तो लगभग उसके बाद जो लगी ऐसा लगे दो तीन और कंबल ले ली, दो तीन कंबल ले लूँ तो भी ठंड नहीं रुक रही थी। इतनी ठंड है, अभी भी ठंड है, गर्म पहन के बैठे हुए हैं। अब कल की तैयारी करनी है, अभी तो गुजारे जाएंगे, मक्का देखेंगे, घूमेंगे, नंबर फ्री है, है चाय फ्री है। अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। गंगारिया गुरुद्वारे में जो गोविंद स्थान भी बोला जाता है।